नमस्ते, आशा करती हूँ आप सब अपना ख्याल अच्छी तरह से रख रहे होंगे। आज जो वेजिटेबल मैंने चूज की है वो है एंटी फंगल, एंटी वायरल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखने वाले मूंगा। मूंगा की करी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, लेकिन इसके पहले यदि आप लोगों ने बिजनेस जुलाई को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज मूंगा की सब्जी बनेगी साउथ इंडियन स्टाइल में। दो ड्रमस्टिक को छील के उसे 4 इंच के टुकड़ों में काट के अच्छे पानी में धो लीजिए। बाकी के इंग्रेडिएंट्स में टमाटर, प्याज, अदरक लहसुन पेस्ट, जैसे 2 टमाटर लीजिए, उसका एक फाइन पेस्ट बना लीजिए। 1 प्याज लीजिए, उसे बारीक टुकड़ों में काट लीजिए। साउथ इंडियन डिश है तो करी लीव्स तो लगेगा ही लगेगा फ्लेवर के लिए। और 1 इंच का अदरक, 4 कलियाँ लहसुन की पीस के 1 टेबलस्पून पेस्ट बना लीजिए। और एक पैन गरम करें, उसमें डालें 2 टेबलस्पून मूंगफली। लो फ्लेम में आप 3 मिनट ऐसे सेकें। जब मूंगफली हमारी जो है क्रंची हो जाएगी, उसके बाद आप इसमें डालें तिल 2 टेबलस्पून और इसे भी अच्छी तरह से भून लें। अब इसमें डालें 2 टेबलस्पून खसखस और 2 टेबलस्पून नारियल। मैंने यहाँ फ्रेश नारियल लिया है, आपके पास सूखा नारियल है तो वो डालें और इसे अच्छी तरह से आप रोस्ट कर लें लो फ्लेम में। एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगेगी, तब तक आपको रोस्ट करना है, ध्यान रखें कि जलाएं ना। अब इसे अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद ही आप मिक्सी जार में डालें और इसे हल्का पीसने के बाद 3 टेबलस्पून पानी डालकर इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लें। एक पैन को गर्म करिए, 2 टेबलस्पून तेल डालें। तेल गर्म हो जाए तो उसमें डालें 1/2 टीस्पून सरसों और जीरा। जब ये गर्म हो जाए उसके बाद आप इसमें डालें प्याज और प्याज को आपको फ्राई करना है जब तक ये हल्के गोल्डन कलर के ना हो जाए। उसके बाद ही आप इसमें डालें अदरक लहसुन का पेस्ट और आपको तब तक इसे फ्राई करना है जब तक अदरक लहसुन का जो पानी है वो इवेपोरेट ना हो जाए और कच्चा पन्ना निकल जाए। उसके बाद आप इसमें डालें धनिया 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून और 2 चुटकी हींग और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें। थोड़ी देर इसे फ्राई करें। 2 मिनट के बाद आप टमाटर का पेस्ट डालें और नमक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद आप इसमें डालें करी लीव्स और ड्रमस्टिक। मूंगा डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और ढक के इसे 5 से 7 मिनट पकाएं। अब इसमें डालें हमने जो तैयार किया था पेस्ट और 1 कप पानी डालें। आप मिक्सी जार में ही पानी डाल के इसमें यूज़ करें वही पानी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब सारा इंग्रेडिएंट अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा फिर आप इसे ढक दें और 10 मिनट पकाएं। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। हमारी ड्रमस्टिक करी रेडी हो चुकी है और ये बहुत ही डिलीशियस बनी है और ये आप राइस के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं। ड्रमस्टिक बहुत ही हेल्थी वेजिटेबल है। मैंने ड्रमस्टिक सूप भी आपके साथ शेयर किया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो आप उसे भी चेकआउट ज़रूर करें। और यदि आपको मेरी आज की ड्रमस्टिक रेसिपी पसंद आई तो आप घर पर ज़रूर ट्राई करिए। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइए। Thank you.